नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं बबीता पांडे। आइए नजर डालते हैं अभी की खबरों पे। वीवीपैट मशीन आ जाने के बाद नहीं लगेंगे मशीन हैक करने के आरोप। मतदाता गलत वोट डालने की शिकायत करेगा तो दोबारा डाल सकेगा वोट, आरोप गलत हुआ तो मिलेगी सजा। देपालपुर में स्कूली बच्चों ने रैली निकाल कर किया लोगों को मतदान के लिए जागरूक। स्कूली छात्र छात्राओं ने सबसे पहले वोट दो की अपील की। भयमुक्त मतदान के उद्देश्य से देपालपुर पुलिस ने नगर में किया फ्लैग मार्च। मार्च में बड़ी संख्या में मौजूद रहे पुलिसकर्मी और जवान। दतिया में निर्वाचन आयोग की पहल पर चुनाव में कमर कसी जा चुकी है। गौरतलब है कि हमेशा चुनाव में ईवीएम को हैक करके गड़बड़ी करने के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन अब वीवीपैट मशीन आ जाने के बाद ये आरोप लगाना आसान नहीं होगा। अब मतदाता अगर शिकायत करेगा कि वोट गलत जगह गया तो उसके दोबारा वोट डालने का हक होगा, लेकिन आरोप गलत हुआ तो सजा भी मिलेगी। हर आम चुनाव के पूर्व सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी पोस्टेड वायरल होती हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है जो प्रत्याशी हार जाता है। वहां ईवीएम को हैक करके गड़बड़ी के आरोप लगता है, लेकिन अब वीवीपैट मशीन आ जाने के बाद ये आरोप लगाना आसान नहीं होगा। अब मतदाता अगर शिकायत करेगा कि वोट गलत जगह गया तो उसको दोबारा वोट डालने का हक होगा। शिकायतकर्ता के आरोप बाद मतदाता केंद्र में अधिकारियों और पोलिंग एजेंट के सामने उसे फिर वोट डालने का मौका मिलेगा। रजिस्टर में एंट्री करके दोबारा और एक परीक्षण मत जिसको के अंग्रेजी में टेस्ट वोट कहते हैं वो डलवाया जाएगा। वो पीठासीन अधिकारी और जो मतदान अभिकर्ता हैं वो सबके सामने वो वोट डलवाया जाएगा। यदि उसकी बात सही निकलती है तो मतदान तत्काल रोक दिया जाएगा, आरओ को रिपोर्ट की जाएगी और जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं तदनुसार कार्रवाई संपन्न आगे की जाएगी। शिकायतकर्ता को दोबारा वोट डालने का मौका तो मिलेगा, लेकिन आरोप गलत हुआ तो शिकायतकर्ता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उसे 6 माह तक की सजा भी मिलेगी। 49MA सेक्शन का प्रावधान इसलिए किया गया कि यदि कोई वोटर कहता है कि उसने जिस व्यक्ति को वोट दिया, जिस कैंडिडेट को वोट दिया, उसके अतिरिक्त किसी और की पर्ची गिरी है तो वो इस बात की रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी को करेगा। पीठासीन अधिकारी उसे चेतावनी देगा कि अगर आपका कथन ये गलत हुआ तो आपको 6 माह की सजा और 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। ईवीएम को लेकर तमाम तरह की अफवाहों और आशंकाओं के बीच वीवीपैट का प्रयोग निर्वाचन आयोग की पहल अच्छी पहल है। इससे निष्पक्ष चुनाव को लेकर उंगलियां उठाना भी बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने नीति प्रयोग लगातार किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देपालपुर में स्कूली बच्चों की रैली निकालकर चुनाव में मतदाता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने शामिल होकर सबसे पहले वोट दो की अपील की। देपालपुर से जितेंद्र तंवर की रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि सहित भय मुक्त मतदान करने की पहल के तहत पुलिस प्रशासन ने देपालपुर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। पुलिस का यह फ्लैग मार्च इंदौर नाके से शुरू होकर पूरे देपालपुर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्रारंभ स्थल पर पहुंचा। इस फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से महिला कमांडो, पुरुष कमांडो, CRPF के जवान और मध्य प्रदेश पुलिस के अफसर व जवान शामिल हुए। देपालपुर से जितेंद्र तंवर की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा देपालपुर शहर में, गौतमपुरा में और बेटमा में फोर्स के साथ में एक फ्लैग मार्च शहर में निकाला गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम नागरिकों तथा वोट करने वाले मतदाताओं में
निर्भीक और सुचारू रूप से मतदान संपन्न हो सके, उनके मन में किसी प्रकार का भय का वातावरण न रहे, उसको दूर करने के लिए आज हम लोगों ने एक फ्लेज मार्च निकाल करके और विश्वास का वातावरण बनाने का प्रयास किया है। बुरहानपुर के ग्राम फोबनार में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस मुख्य रूप से उपस्थित रही। इस कार्यक्रम के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनिस ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विगत 10 वर्षों में बुरहानपुर में किए गए विकास कार्यों को विस्तृत जानकारी दी। 4670 से लेकर 9598 पहले स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास पर कोई साइड और अपन ने स्वास्थ्य विभाग का 150 करोड़ रुपए के काम अलग अलग जगह पे स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों के निर्माण के लिए, अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए 150 करोड़ के काम हमारे पिछले 10 साल के अंदर हुए। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी और निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता अभियान के लिए इसी क्रम में गंजा वसोदा के लाल परेड ग्राउंड पर उन स्कूल के छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई गई जो इस वर्ष 18 साल के हो रहे हैं और उनको मतदान करना स्थानीय रिटर्निंग अधिकारी SDM प्रकाश नायक, जनपद पंचायत के CEO विशाल सोनी द्वारा बच्चों को शपथ दिलाई गई। बड़ी संख्या में स्कूल के छात्र छात्राएं लाल परेड ग्राउंड पर मौजूद रहे। इसी के साथ शहीद चंद्रशेखर आजाद महाविद्यालय में भी छात्र छात्राओं को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदान की शपथ दिलाई गई। यहां पर अटेंडिंग रहे, मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे बीच उपस्थित जनपद पंचायत गंज बासुदा के मुख्य कार्यपालन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत किया गया जो स्वीप एक्टिविटी जिसमें कि जितने भी वोटर्स हैं शहर के ग्रामीण क्षेत्र के, इन लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार मतदान किया जाए। कहीं भी ऐसी जगह हैं जहाँ जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान कम हुआ था या कम प्रतिशत में था, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वीप एक्टिविटी वहाँ पर करा रहे हैं जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़े वहाँ पर। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी ये श्रृंखलाएँ बनवाई गई। स्वीप गतिविधि के तहत हम लोग ये मतदाता जागरूकता का अभियान चला रहे हैं और इसमें ये भी ध्यान दे रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा में जिन मतदान केंद्रों में मतदान का प्रतिशत कम है उन मतदान केंद्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हमारी कोशिश है कि जो महिला मतदाता हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करें और जो नए मतदाता युवा मतदाता हैं उन पर भी हमारा फोकस रहेगा कि अधिक से अधिक लोग मतदान करने के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।